नमस्ते नमस्कार, वी लव पुरी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादू। हाय हाय, ठंडा लग रहा होगा उसको। आज स्नैक्स और चाय टेरेस पे है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्कार, जय जगन्नाथ। सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आज का दिन थोड़ा रिलैक्स है। आज डे 4 है, आज हमारा लास्ट डे है पुरी में। तो आज हम जाएंगे पहले बीच पे, एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से मंदिर दर्शन और एक बार फिर से जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे और थोड़ा शॉपिंग, बस यही प्लान है और कुछ नहीं। सो बट आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्यूटीफुल है। सुबह हल्की हल्की ठंडी लग रही है लादू, ठंडी लग रही है। लादू इज हैविंग बिस्किट्स और मेरी वहाँ चाय ठंडी हो रही है। तो चाय ठंडी हो गई थी, एक बार फिर से गर्म करना पड़ेगा क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है। All right guys, all set. चलो रेडी, इधर नहीं बैठना है, इधर मैं बैठ रहा हूँ, इधर आ जाओ, ये वाली पे आ जाओ। चलो चलो चलो, रेडी बीच पे आ आज आज हमारे रिक्शा ड्राइवर, अरे आप ही तो थे जिसके साथ मैंने रील बनाया था। वही तो बोल रहा हूँ, चलाने दो यार, चला लो। All right guys, तो हम लोग पूरी बीच पहुंच चुके हैं। 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ऑलमोस्ट 20 मिनट हमें लगे हैं और फिलहाल हम ट्राई करने वाले हैं। क्या खाने वाले हैं? ये क्या है? दही वड़ा आलू दम। ओके, बहुत जबरदस्त, बहुत ही स्वादिष्ट है गाइस, बहुत स्वादिष्ट दही वड़े। गाइस वी आर फाइनली एट द बीच और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। मैं और मेरी लाडो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग लाडो को भी घूमना है हर जगह। मैं इतनी छोटी सी बच्ची घूमी घूमी कर रही है। ये देखो कौन आ गया, हेलो। अरे भाई इसको कौन पकड़ेगा, मैं तो नहा लूं। अंकल जी नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस फॉर द वेडिंग। आंटी नमस्ते, ये गोपाल के छोटे भाई और ये उनकी वाइफ और मम्मी डैडी, आज सब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। नमस्ते नमस्कार, वी लव पुरी। गाइस सो इट्स 11:00 और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लोगों ने। बहुत तेज पानी की लहर है यहाँ पे, तो बहुत संभाल कर अगर आप आ रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहिए बच्चों के साथ। सो बस अब जा रहे हैं घर पे। हाँ, एजू की भी एक नींद पूरी हो चुकी है, एजू की वजह से मैं पानी में नहीं जा पाया और सब ने एंजॉय किया। सो ऑलराइट, सो अब घर पे चलते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद आते हैं फिर से एक बार मंदिर दर्शन के लिए। बोलो जय, यस। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 1:30 और एक बार फिर सब रेडी है खा पी के, मतलब सबने मैगी खाया क्योंकि आज जो खाना है वो हम मंदिर का प्रसादालय में भोजन करेंगे।
और फिलहाल एक बार फिर से मंदिर जा रहे हैं और थोड़ा मार्केट वहाँ पर घूमेंगे। चलो लेट्स गो। आज हमारा लास्ट डे है, आज हमारा लास्ट डे है, फोर्थ डे, घर चले जाएंगे हम अपने अपने। चलो लेट्स गो। क्या अरे वाह, आपको आता नहीं भाई? बाहर आ जा, बाहर आ जा। सच्ची चल गई, सच्ची में चल गई। चलो जय जगन्नाथ। चलो बाय बाय। दूसरा गाड़ी। ऑलराइट गाइस, सो हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और वक्त हो रहा है फिर 2:15। वैसे मानसी के पिताजी ने हम सबको एक टी शर्ट गिफ्ट की, आज सबने वही टी शर्ट पहना हुआ है, ये देखिए। और गोपाल अभी चेंज कर रहा है। बचपन से भाई मस्त लग रहा है। देखिए आज थोड़ा, आज जो मंदिर है यहाँ से ही काफी क्लियर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। वैसे आज मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप जरा भी नहीं है और बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, बहुत ज्यादा। पुली का मिले, सामान देते रहे, आज पुली बनाए तू। हमारी लाडो रानी सो गई है, देखिए। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद ओभड़ा विश्व प्रसिद्ध है। ओभड़ा प्रसाद की महक और स्वाद भक्ति और समर्पण की भावना से भरपूर होता है। इसे मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, जो इसे एक अनोखा स्वाद देता है। यह प्रसाद न केवल एक भोजन है, बल्कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद का प्रतीक है, जिसे ग्रहण करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऑलराइट गाइस, सो दर्शन हो चुके हैं और दर्शन होने के बाद 4:45 को जो मंदिर का जो ध्वज है, जो पताका है, वो चेंज करते हैं। वो भी हमने देखा, बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही अद्भुत एकदम। ये देखो अरनित ने क्या लिया है। ऑलराइट गाइस, सो इट्स 10:20 नाउ और सबका डिनर हो चुका है, बस अब सोने की तैयारी है। सो कल सुबह 4 बजे हमें निकलना है, ट्रैवलर आने वाला है, और 7 बजे की हमारी ट्रेन है भुवनेश्वर से। सो 70 किलोमीटर है, यहाँ से जाने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, इसलिए 4 या 4:30 तक मैक्स हम निकल जाएंगे और ये ब्यूटीफुल ट्रिप यहीं एंड होता है। 4 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। ऑल थैंक्स टू शुभ एंड मानसी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस। और ये देवियाँ लोग कल ट्रेन के खाने का इंतज़ाम करते हुए पूड़ी और सब्जी। गुड मॉर्निंग, सो गाइस इट्स 4 AM इन द मॉर्निंग और आज है 16th of November और 7 o'clock की हमारी ट्रेन है। और ये देखो हमारे राहुल भाई सुबह सुबह चाय बनाते हुए। ऑलराइट गाइस, इट्स 4:45 और देखिए कितनी तेज बारिश आ गई है। चलो 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 चलो, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। देख लो कोई सामान छूटा तो नहीं है ना भाई अंदर। ये देखिए गाइस कितना सामान है, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। अगर आपको भी अपने सामान को इसी तरीके से हैंडल करना है, कॉन्टैक्ट मानसी टूर्स एंड ट्रैवल। और ये बंदा बहुत ही, इनका वर्कर है ये, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने सामान हैंडल किया है। हट्टा कट्टा इसलिए सुनता किसी की भी नहीं है ना, मालकिन की सुनता है ना, और यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी। और एक आखिरी बार नमस्ते, नमस्कार एंड ऑल थैंक्स टू शुभ एंड मानसी फॉर मेकिंग दिस ट्रिप। मानसी के पापा मम्मी को और बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी देने के लिए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। देखो गाइस, अगर डाइट करना है तो ये सब खाओ और मेरे जैसे बन जाओ।